हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एनजी फैशन स्टाइल। मैं हूं मन्नत और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं ये वेडिंग गेस्ट मेकअप लुक। ये ग्रे ड्रेस के साथ मैंने ये मेकअप लुक क्रिएट किया है, तो वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर मैं यूज़ करी हूँ पॉन्स की सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइज़र। ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइज़र है और विंटर स्टार्ट हो गए हैं। मॉइस्चराइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, हमारी स्किन को हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है विंटर्स में, क्योंकि हमारे मेकअप जब हम करते हैं तो ये जो है बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगता है, इसलिए मॉइस्चराइज़र ज़रूर अप्लाई करा करें। नेक्स्ट आ जाते हैं हम प्राइमर की तरफ। प्राइमर के लिए यहाँ पर मैं यूज़ करी हूँ मेबेलिन फिटमी का न्यूली लॉन्च प्राइमर। ये बहुत ही अच्छा प्राइमर है, हाल ही में ही लॉन्च हुआ है एंड मुझे प्राइमर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। इससे काफ़ी ज़्यादा स्मूथ आपकी स्किन हो जाती है एंड आपको एक ड्यूई फिनिश मिलती है। अगर जो लड़कियां मुझसे पूछ रही थी कि कोई अच्छा बेस्ट प्राइमर सजेस्ट कीजिए, तो मैं ये सजेस्ट करना चाहूँगी विंटर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको इसकी स्किन भी स्मूथ हो जाती है और एक आपको मॉइस्चराइज़र इफेक्ट मिलता है आपके फेस पे। आपको मॉइस्चराइज़र अगर आप नहीं भी यूज़ करते हैं तो आप इसको यूज़ करके अपनी स्किन को हाइड्रेट रख सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छा लॉन्ग लास्टिंग मेकअप भी मिल जाएगा साथ साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं हम आईब्रोज़ की तरफ। आईब्रोज़ के लिए यहाँ पे मैं यूज़ करी हूँ स्विस बीटी का आईब्रो पोमेड। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा पोमेड है, इसके आपको टोटल 4 शेड्स मिलते हैं। आपको जो कलर्स की आईब्रोज़ आपकी हो, कलर के हेयर, आप उस तरीके से जो है अपनी आईब्रोज़ को फिल कर सकते हैं। सिंपल आईब्रोज़ को फिल करने का एक ही फंडा होता है गाइज, कि आउटलाइनिंग करना है अपनी अपनी आईब्रोज़ की, उसके बाद आपको फिल करना है आउटर की तरफ से और इनर की तरफ लाइट स्ट्रोक देना है, दैट्स इट। उसके बाद आ जाती है यहाँ पर कंसीलर की बारी है। तो यहाँ पर आईब्रोज़ को जो है मेरी लिड है उसको मैं कंसील कर लूँगी, ताकि जो मैं फाउंडेशन या जो भी प्रोडक्ट मैं बेस पे अप्लाई करूँ तो मुझे आईब्रोज़ के आसपास मुझे ज़रूरत ना पड़े। और जो लिड है वहाँ पे मैं कंसीलर इसलिए अप्लाई कर रही हूँ ताकि मैं आई का मेकअप फर्स्ट पहले करूँगी और बेस बाद में करूँगी। तो यहाँ पर फ्लैट ब्रश की हेल्प से कंसीलर को मैंने अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। कंसीलर को ब्लेंड अच्छे से कीजिए, वरना आपकी क्रीज लाइन वगैरह पड़ जाएंगी और आपका मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। सो यहाँ पर कंसीलर को सेट करने के लिए मैं इनसाइड कॉस्मेटिक का कॉम्पैक्ट का यूज़ करी हूँ। ये यहाँ पे कंसीलर को सेट करना ज़रूरी होता है, वरना क्रीज लाइन पड़ जाएगी और आपका आई शेडो अच्छा नहीं लगेगा। नेक्स्ट यहाँ पे आई शेडो की बारी है। तो यहाँ पे ब्लू हेवन की आई शेडो पैलेट मैंने ली है, जिसमें से ट्रांसलूशेंट शेड जो लिया है उसको मैंने क्रीज लाइन पे एंड आउटर वी पे जस्ट प्लेस किया है एंड जस्ट ब्लेंड किया है। कलर को अच्छे से ब्लेंड ज़रूर करें और आप जब भी आई का मेकअप करें तो आपने ट्रांसलूशेंट शेड से ही स्टार्ट करना है, क्योंकि ट्रांसलूशेंट शेड जो होता है आपके आई के लुक को कुछ अच्छे से डिफाइन करता है, बहुत ही अच्छा लुक आता है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है मेबेलिन का ग्लॉसल काजल। ये ब्लैक जेट ब्लैक काजल है, आपने जो है इसको थिक जो है लाइनर की जगह पे अप्लाई करना है। उसके बाद जो है छोटे से ब्रश की हेल्प से आपने इसको मर्ज कर लेना है अच्छे से, ताकि ये ब्लेंड हो जाए एंड जो है जब ये कलर ब्लेंड होगा उसके बाद आपका जो ट्रांसलूशन शेड है उसको साथ में आपने कलर को ब्लैक काजल को जो है मिक्स आउट करना है, यानी अच्छे से ब्लेंड करना है। थोड़ा टाइम लीजिए इसको ब्लेंड करने में, काजल ब्लेंड करने में थोड़ा टाइम लेता है। तो अच्छे से इसको जो है ट्रांसलूशन शेड के साथ या ब्राउन शेड के साथ जो है आप इसको ब्लेंड कर लीजिए, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक आता है, एक स्मोकी लुक आता है गाइज। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है सेम इसी पैलेट से ही ग्रे कलर लिया है, उसको फिंगर के हेल्प से जस्ट सेंटर पे मैंने टैप किया है और आप देख सकते हैं एकदम शिमरी पार्टिकल्स हैं इसमें और इतना अच्छा लुक आ रहा है इसमें। उसके बाद आ जाती है यहाँ पे लाइनर की बारी। तो यहाँ पे बोल्ड लाइनर लुक जो है मैं क्रिएट करूँगी। यहाँ पे मैंने लिया है ब्लू हेवन का लाइनर, ये काफ़ी अच्छा लाइनर है एंड जो है आपको बहुत ही अच्छे ब्रश के साथ आपको मिलता है, बहुत ही स्मूथली अप्लाई हो जाता है एंड काफ़ी अच्छा लॉन्ग लास्टिंग मस्कारा आईलाइनर भी है। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा था, क्योंकि जब मैंने इसको अप्लाई किया तो काफ़ी टाइम तक स्टे कर रहा था मेरे फेस पे और इस टाइम वैसे भी विंटर्स चल रहे हैं तो आपका जो भी मेकअप प्रोडक्ट्स होते हैं वो थोड़े लंबे समय तक आपके फेस पे स्टे करते हैं, तो ये अच्छी बात होती है विंटर्स में। तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है मेकअप करना अकॉर्डिंग टू समर, समर में थोड़ा मेल्ट होने लगता है मेकअप, इसलिए ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद आ जाती है यहाँ पे डार्क सर्कल्स की बारी। यहाँ पे डार्क सर्कल्स को मैं कवर करने के लिए यहाँ पे यूज़ करी हूँ इनसाइड कॉस्मेटिक का कलर करेक्टर। जहाँ पे मुझे डार्कनेस है फेस पर वहाँ पे मैंने इसको अप्लाई किया है ब्रश की हेल्प से, उसके बाद मैंने फिंगर की हेल्प से ब्लेंड कर लिया है। ऑरेंज कलर करेक्टर का यूज़ किया है, क्योंकि डार्कनेस बहुत ज़्यादा हो जाती है विंटर्स में। ऐसा होता है कि हमारे फेस में जहाँ पर ड्राइनेस होती है वहाँ पर उसके बाद ड्राइनेस होने के बाद आपके जो है डार्कनेस आ जाती है वहाँ पर, तो आपने जो है कलर करेक्टर का यूज़ ज़रूर करना है एंड डार्क सर्कल्स के लिए भी ज़रूर यूज़ करा करें, वरना आपका जो भी आप अपने फेस पे अप्लाई करेंगे वो ग्रे कलर का लगने लगेगा।
उसके बाद आ जाती है बेस की बारी। बेस के लिए यहाँ पे मैं पॉन्ड्स की बीबी क्रीम का यूज़ करी हूँ। ये अच्छा कवरेज भी देती है एंड लॉन्ग लास्टिंग भी रहती है, तो आपको बेस भी अच्छा मिल जाता है। तो यहाँ पर मैंने सेम इसी ही बेस बीबी क्रीम से ही हमने पूरा बेस का कवर किया है फेस को। उसके बाद यहाँ पर मैं फाउंडेशन ब्रश की हेल्प से जो है बीबी क्रीम को ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहे तो ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, बट कवरेज अच्छा नहीं मिलता है, तो इसलिए मैंने ब्रश का यूज़ किया है। अच्छे से आपने पूरे फेस पर जो है पहले बीबी क्रीम फाउंडेशन जो भी आप अप्लाई करते हैं उसको स्प्रेड कर लीजिए पूरे फेस पे, उसके बाद आपने अच्छे से ब्लेंड करना है, वरना जो है प्रोडक्ट ड्राई होने लगता है और आपका अच्छे से ब्लेंड नहीं होता है। तो यहाँ पे जिस तरीके से मैंने अप्लाई किया है आप देख सकते हैं, हल्के हल्के हाथों से मैंने स्ट्रोक देकर जो है फाउंडेशन को अच्छे से अपनी स्किन में सेट कर लिया है बीबी क्रीम को, और बिल्कुल नॉर्मल टू मीडियम कवरेज दे रहा है मेरे फेस पे। उसके बाद आ जाती है कंसील करने की बारी। तो यहाँ पे ऑरेंज करेक्टर जो है बीबी क्रीम से कवर नहीं हुआ था, इसलिए जो है मैंने जो है कंसीलर का भी यूज़ किया है और हाईलाइट पॉइंट्स को भी हाईलाइट्स किया है। स्विस ब्यूटी का कंसीलर है, 02 शेड है इसका गाइज, एंड ये काफ़ी अच्छा कवरेज वाला कंसीलर है। अगर आपको कोई अच्छा कंसीलर की ज़रूरत है तो आप डेफिनेटली ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर परचेज़ कीजिए, आप बहुत ही ज़्यादा फ़ैन हो जाएंगे इस कंसीलर के, क्योंकि ये अफोर्डेबल भी है एंड कवरेज भी अच्छा देता है और लॉन्ग लास्टिंग रहता है एंड बहुत ही अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। इसकी अच्छी खासियत यही है। एंड उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं जहाँ पर मुझे नीड है कंसीलर की वहाँ पर मैंने इसको अप्लाई किया है, एंड मेरा फेस का जो कलर है वो थोड़ा सा टोन जो है एक लाइट हो गया है, तो आप कवरेज आप देख सकते हैं इसकी कंसीलर की कितनी अच्छी, और कंसीलर जो है लंबे समय तक हमारे फेस पे स्टे भी करता है, तो अच्छा रहता है कि आपने कंसीलर को हाईलाइट पॉइंट पे ज़रूर हाईलाइट्स करें, जहाँ पे आपने डार्कनेस है वहाँ पे भी अच्छे से अप्लाई कर लें। नेक्स्ट यहाँ पे कंसीलर और पूरे फेस को सेट करने की बारी आती है। तो यहाँ पे इनसाइड कॉस्मेटिक का कॉम्पैक्ट का यूज़ करी हूँ। विंटर्स में हमारे स्किन जो है वो ड्राई होती है, इसलिए आपने थोड़ी कम क्वान्टिटी में अपने फेस पर पाउडर का यूज़ करना है। अगर आप पाउडर का ज़्यादा यूज़ करेंगे विंटर्स में तो आपका फेस वैसे ही ड्राई होता है, और अगर आप अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं करेंगे तो आप जब कॉम्पैक्ट या लूज पाउडर यूज़ करेंगे तो आपकी स्किन ड्राई होने लगेगी। तो यहाँ पे लेस क्वांटिटी में यहाँ पे मैंने कंसीलर को अच्छे से सेट कर लिया है, पूरे फेस पे जो है स्पॉन्ज को डैप कर लिया है ताकि मेरा पूरा फेस का जो बेस है वो अच्छे से सेट हो जाए इस कॉम्पैक्ट की हेल्प से। एंड उसके बाद आ जाती है कॉन्टियोरिंग की बारी। तो यहाँ पर मैं यूज़ करी हूँ क्रीम कॉन्टियोर। विंटर्स में मोस्टली आप यूज़ करा करें क्रीम प्रोडक्ट का यूज़ करा करें, इससे क्या होगा कि आपका स्किन भी ड्राई नहीं होगी और आपका फेस भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर NYB की कॉन्टियोरिंग स्टिक का यूज़ करी हूँ, एंड ये बहुत ही अच्छी स्टिक है, आपको इजीली ब्लेंड हो जाती है, बहुत ज़्यादा डार्क टोन में नहीं आती है। आप लेस क्वांटिटी यूज़ करें अपने फेस को कॉन्ट्योरिंग करने में। अगर आपको ज़्यादा कॉन्ट्योरिंग हार्ड कॉन्ट्योरिंग पसंद नहीं है तो आप कोई बात नहीं, आप थोड़ा लेस अमाउंट में आप यूज़ कर सकते हैं प्रोडक्ट को। एंड यहाँ पे मैंने बहुत ही हल्के हाथों से यहाँ पे कॉन्ट्योरिंग की है, आप देख सकते हैं बहुत ही लाइट से अप्लाई किया, उसके बाद उसको मैंने ब्रश की हेल्प से ही ब्लेंड कर लिया है। बहुत ज़्यादा डे में जो है हैवी कॉन्ट्योरिंग अच्छी नहीं लगती है, नाइट का फंक्शन हो तो आप इसको कर सकते हैं, हैवी कॉन्ट्योरिंग भी कर सकते हैं, बट इतनी ही अच्छी लगती है, बहुत ज़्यादा हैवी कॉन्ट्योरिंग भी मुझे नहीं पसंद है, इसलिए मैंने बहुत लाइट से किया है। उसके बाद आ जाती है ब्लश की बारी। तो ब्लश के लिए यहाँ पे मैट ब्लश का यूज़ करूँगी। यहाँ पे मैंने लिया है किस ब्यूटी की ब्लश पैलेट ली है, ये बहुत ही अफोर्डेबल है एंड आपको टोटल 5 शेड्स के साथ पिंक ब्लश मिल जाते हैं, तो आपको जो पसंद हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं यूज़ करी हूँ टिन का हाईलाइटर, ये बहुत ही ज़्यादा सटल सा ग्लो देता है एंड बहुत ही अच्छा हाईलाइटर है, आपको एकदम ड्यूई फिनिश मिल जाती है, आपके फेस पे एकदम ग्लोई टच मिल जाता है आपको, बहुत ही अच्छा मुझे इसका ये हाईलाइटर लगा है टिन का। एंड उसके बाद अपने फेस को सेट करने की बारी आ जाती है। तो NYB की सेटिंग स्प्रे से मैंने उसको सेट कर लिया है, मेकअप को लॉक कर लिया है ताकि मेरा फेस का जितना भी पाउडर इफेक्ट है वो सब दूर हो जाए और मेकअप मेरा लॉन्ग लास्टिंग हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पे ब्लू हेवन का मस्कारा ही यूज़ करी हूँ। ये मस्कारा मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि इसका जो ब्रश है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है, इसलिए आपको लैशेस को नेचुरली कर्ल कर देता है एंड अच्छा वॉल्यूम मिल जाता है, तो बहुत ही इजीली अप्लाई हो रहा था ये मस्कारा, बहुत ही अच्छा था, इसके ब्रश बहुत ही स्मूथ है गाइस एंड बहुत ही अच्छा मस्कारा मुझे लगा, अफोर्डेबल भी है एंड अच्छा मस्कारा है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद लिपस्टिक की बारी है। तो लिपस्टिक यहाँ पे हिलारे रोडा की लिपस्टिक का यूज़ करी हूँ, ये पिंक टोन में लिपस्टिक है, शेड मुझे याद नहीं है, मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे प्रोडक्ट्स का, आप चेक कर लीजिएगा, जो भी आपको अच्छा लगता है प्रोडक्ट आप वो ये परचेस कर सकते हैं, सीधे जाकर आप वेबसाइट से भी परचेस कर सकते हैं। अच्छा जी, लास्ट में यहाँ पे रह गया था लोअर लैश लाइन पे काजल या वगैरह कुछ भी आपको जो पसंद हो आप वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने पिंक कलर का जो आई शेडो है उसको लिया है, जस्ट मैंने जो है आउटर लैश लाइन पे मैंने इसको अप्लाई किया है ताकि जब मैं काजल अप्लाई करूँ तो मर्ज ना करे, स्मज ना हो और लॉन्ग लास्टिंग रहे मेरा काजल। उसके बाद यहाँ पे मैंने काजल को अपर लैश लाइन एंड लोअर लैश लाइन दोनों पे ही अप्लाई किया है, इसको क्लोज
के जब आप अप्लाई करते हैं आप काजल तो दोनों तरफ से ही अप्लाई हो जाता है। उसके बाद मैंने लिया है लाइनर जिसे बिंदी लगाई है एंड अपर लिप के नीचे भी थोड़ी सी बिंदी लगा ली है ताकि कुछ नया लुक आ जाए। सो ये है मेरा फाइनल लुक। आई होप आपको अच्छा लगा हो। अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइज और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में मेरी वीडियो जब भी अपलोड होगी आपको मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरी वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।